वेलकम टू द कैमरा टेस्ट ऑफ iPhone 12 वर्सेस iPhone 13 वर्सेस iPhone 14। सबसे पहले हम करेंगे इन तीनों ही फोन से एक मॉडल फोटो शूट, इसके बाद कुछ लेंगे आउटडोर पोर्ट्रेट्स, साथ में कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स, इसके बाद करेंगे इसके वीडियो कैमरा और सारे कैमरा मोड्स की टेस्टिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों ही फोन्स के पीछे वाले जो दोनों लेंसेज हैं ये आपको 12 मेगापिक्सल के मिलते हैं। ऑल्सो तीनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरास आपको 12 मेगापिक्सल के मिलते हैं, जिनके अपर्चर में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है। अब चलो फटाफट से क्रिएट करते हैं सेटअप हमारे मॉडल फोटोशूट के लिए। और भाई हमारी पिक्चर का हीरो तो मैं ही हूं, तो मैं ही मॉडल बन जाता हूं। वीडियो का बजट कम है ना, तो भाई यहां से आरजीबी लाइट से हमने कुछ इस तरीके का सेटअप क्रिएट किया और यहां पे हमने कुछ फोटोज क्लिक करे। जो हमारी मेन की लाइट थी उसको हमको थोड़ा सा दूर करना पड़ा, क्योंकि आईफोन से जब आप फोटोज क्लिक करते हो ये लाइट को बहुत ज्यादा कैप्चर कर लेता है और फेस काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो की लाइट दूर करने के बाद भी एक्सपोजर को कम करके फिर फोटोज क्लिक किया हमने और कुछ आउटपुट इस तरीके का था। यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इतना कोई खास डिफरेंस नहीं फील हुआ। iPhone 12, 13, 14 ये तीनों के तीनों ही मुझे एक जैसे लगे। थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस लगा, iPhone 14 थोड़ा सा ज्यादा शार्प इमेजेस प्रोवाइड करता है, और क्योंकि हम आर्टिफिशियल लाइट से खेल रहे थे तो इसलिए हमने अपने हिसाब से इसमें से आउटपुट निकाला। तो डेफिनेटली अगर आप इसको मैनुअली यूज करते हो तो आपको इतना बड़ा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा iPhone 12, 13 एंड 14 में। इसके बाद हमने कुछ डिफरेंट लाइट ट्राई करी। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ iPhone 12 उतनी ज्यादा शार्प इमेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है और वहीं 13 एंड 14 ज्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू iPhone 12, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई तीनों के तीनों लगभग सेम ही आउटपुट दे रहे हैं। iPhone 12 की मैं यहाँ से अगर इमेज एडिट कर दूं तो ये सेम टू सेम iPhone 13 एंड 14 जैसी ही हो जाएगी। तो अगर इंडोर में आप अपनी लाइट से फोटोज क्लिक करते हो तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं फील होगा। इसके बाद मैंने की लाइट के सामने खड़े होकर फोटोज क्लिक करे, यानी कि मेरे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर की लाइट थी, मैं बेसिकली डार्क दिख रहा था, तो यहाँ पे आप इसका भी आउटपुट देख सकते हो। iPhone 12 यहाँ पे डिटेल्स के मामले थोड़ा सा लैग कर जाता है, वहीं 13 और 14 काफी अमेजिंग आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मुझे 13 के कलर ज्यादा बेटर लगे एज कम्पेयर टू 14 के भी, लेकिन इसके बाद हमने स्टूडियो के बाहर भी कुछ एक फोटोज क्लिक करी एंड यहाँ पे भाई आप देख सकते हो जो iPhone 12 और 14 है ये लगभग सेम ही फोटोज दे रहे हैं। यानी कि कलर्स की बात करूं, कलर्स आपको लगभग सेम ही मिल रहा है, 13 थोड़े से अपने कलर चेंज कर रहा है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो काफी सारी इमेजेस में मुझे iPhone 13 ज्यादा बेटर लगा iPhone 14 के कंपैरिजन में भी। यहाँ पे हमने एक अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक करी है, यहाँ पे भी देख सकते हो कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है तीनों में। इसके बाद हमने कुछ क्लिक करी आउटडोर पोर्ट्रेट। अब यहाँ पे देखो iPhone 12 की जो इमेज है ये थोड़ी सी आर्टिफिशियल सी दिख रही है, वहीं iPhone 13 ने बहुत ही कलर एक्यूरेट इमेज क्लिक करी है, लेकिन iPhone 14 में आपको फोटोनिक इंजन मिलता है जो कि भाई आपकी इमेज को थोड़ा सा और एनहेंस कर देता है। तो यहाँ पे 14 की इमेज आप देख सकते हो एकदम डार्क सी हो रखी है, लेकिन यहाँ मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे 13 की इमेज ज्यादा अच्छी लगी। ये फोटोनिक इंजन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर देता है इमेजेस में, जो कि मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है। हाँ, किसी किसी इमेज में कलर्स वगैरह को बहुत ही अच्छा कर देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इतना अमेजिंग आउटपुट नहीं मिलता है इस फोटोनिक इंजन के कारण। तो अगर यहाँ पे मैं इनकी फोटोज को रिव्यू दूं तो 12 थोड़ा सा पीछे जरूर से हो जाता है बिकॉज काफी पुराना फोन है। 12 के कंपैरिजन में 13 एंड 14 में काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाती है, काफी बेहतरीन कैमरास हैं दोनों। अब इसके फ्रंट कैमरा से भी हमने फोटोज क्लिक करी तो iPhone 12 की जो फोटोज थी वो थोड़ा सा येलोइश टोन में हमको दिखी। जैसे कि हम iPhone से फोटोज क्लिक करते हैं तो हाँ एक अलग सी वाइब आती है, तो iPhone 12 में आती है। iPhone 13 में थोड़ा सा ज्यादा कलर एक्यूरेट हो जाता है, और 14 के फ्रंट कैमरा में आपको मिल जाता है ऑटो फोकस, जो कि एक एडवांटेज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद कुछ नाइट मोड में शॉट्स लिए और यहाँ पे मुझे iPhone 13 थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा। अब यहाँ पे मैं इनके फोटो मोड्स के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो iPhone 12 में तो सिर्फ आप पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो या फिर नॉर्मल फोटो क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आप iPhone 13 की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपके पास फोटोग्राफिक स्टाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये एक अलग से ऑप्शन होता है जिसको अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आप डिफरेंट स्टाइल्स में फोटोज क्लिक कर सकते हो, जो कि भाई एक अच्छी वाइब प्रोवाइड करता है, और ये वाला ऑप्शन आपको 13 एंड 14 दोनों में मिलता है। iPhone 12 ये वाला फीचर लैग कर जाता है। चलो कंपेयर करते हैं इनके वीडियो कैमरास को, और वीडियो कैमरास पे सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल वीडियोस की। ये तीनों ही फोन्स 4K 60fps तक शूट कर सकते हैं, लेकिन iPhone 12 शूट कर सकता है 4K 30fps पे Dolby Vision HDR पे। वहीं अगर 13 एंड 14 की बात करूं तो ये 4K 60fps तक भी HDR रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये इनके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। बाकी यहां पे मैं इन तीनों ही का सैंपल दिखा देता हूं, 4K 30fps पे ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो गाइस ये हैं इन तीनों के कैमरा सैंपल्स। मेरे राइट साइड पे iPhone 13, लेफ्ट साइड पे है iPhone 12 और बीच में है iPhone 14। यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल का लाइट कंट्रोल मिल रहा है। अभी जो मौसम है ये थोड़ा सा बारिश वाला है, तो उस अकॉर्डिंग जो है वो लाइट थोड़ी सी डिम आ रही है। ये तीनों के तीनों फोन शूट कर रहे हैं 4K 30fps पे। अब यहाँ पे मैं बता दूं iPhone 12 शूट कर सकता है 4K 30fps पे HDR, नॉर्मल 4K भी शूट कर सकता है 60fps तक, लेकिन HDR 30 तक शूट कर सकता है। वहीं 13 एंड 14 4K 60fps पे भी HDR शूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एडवांटेज हो जाता है 13 एंड 14 के बाद। इसके अलावा इन तीनों ही फोन के फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो।
तो गाइस ये हैं तीनों के फ्रंट कैमरा। आप देख सकते हो किस लेवल की क्वालिटी आपको इन तीनों में ही देखने को मिल रही है। और ये तीनों शूट कर रहे हैं 4K 30 FPS पे। इसके फ्रंट कैमरे के लिए हम इंडोर में आ गए हैं, की लाइट यूज करिए ताकि आपको आउटपुट पता चल सके कि आप अगर स्टूडियो लाइट में लेते हो तो किस तरीके का आउटपुट आपको इसमें मिलता है। तो भाई अगर आप रील वगैरह क्रिएट करते हो तो आपके लिए इन तीनों ही फोन में से कोई भी आप ले सकते हो, बहुत ही अमेजिंग आउटपुट मिलेगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों के ही आउटपुट में आपको कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा, छोटी छोटी डिटेल्स का डिफरेंस आपको मिल सकता है, डायनामिक रेंज का हल्का फुल्का फर्क मिल सकता है। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए देख रहे हो तो भाई आईफोन 12 भी आपके लिए उतना ही मददगार साबित होगा जितना आईफोन 14। अगर आप आईफोन 12 का पूरा डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो कैमरा टेस्ट का तो ऊपर इधर आई बटन में क्लिक करके देख लेना, बिकॉज हमने वो बनाई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आप लोगों की तरफ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ, ये है सिनेमैटिक मोड। ये वाला मोड आपको आईफोन 12 में नहीं मिलता है, ये सिर्फ 13 एंड 14 में मिलता है। तो यहाँ पे मैं सैंपल दिखा दे रहा हूँ, साथ में एक आईफोन 12 की नॉर्मल वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा। तो गाइस आप देख रहे हो इनका सिनेमैटिक मोड आईफोन 12 में नहीं है, बाकी 13 एंड 14 में मिल जाता है। 13 में मिलता है 1080p 30fps तक, वही iPhone 14 में मिलता है 4K 30fps पे, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ी फाइल मिलती है आपको iPhone 14 में, बाकी 13 में 1080p तक मिलता है। तो भाई अगर आपको अपने फोटोज में ऐसा बोके इफेक्ट चाहिए, पीछे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए सिनेमैटिक मोड वाला, तो डेफिनेटली आप iPhone 13 की तरफ जा सकते हो। iPhone 14 में मुझे नहीं लगता कि जाने का इतना कोई सेंस है, बिकॉज आपको 4K में जो सिनेमैटिक मोड है ये इतना काम नहीं आएगा। बेसिकली अगर 4K में रिकॉर्ड करके अगर आपने अपलोड भी किया इंस्टाग्राम पे तो वहां पे भी वो 1080p पे होता है, तो बेसिकली 1080p की ही फाइल जो है वो आपको काम आएगी, 4K वाली इतनी नहीं आने वाली है, अनलेस आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो 4K क्वालिटी में। इसके अलावा एक मोड जो iPhone 14 में मिलता है आपको, जो 13 एंड 12 दोनों में ही नहीं मिलता है, ये है एक्शन मोड। अगर आप भाई एक्शन शॉट मूवीज बनाते हो और जिसमें आपको एकदम दौड़ दौड़ के शॉट्स लेने हैं किसी के पीछे, तो डेफिनेटली आपको फिर आईफोन 14 की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे आपको जो एक्शन मोड मिल रहा है ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करता है। बेसिकली अगर आपके पास गिम्बल वगैरह नहीं है तो भी आप इससे आराम से काम चला सकते हो और बहुत ही बटरी स्मूथ इमेज प्रोवाइड करता है ये, मतलब वीडियोस। इसके बाद हमने इन तीनों ही फोन से शूट किया 240fps पे स्लो मोशन 1080p रेजोल्यूशन पे, जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ स्लो मोशन टाइम लैप्स के मामले में आपको जरा भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला, ये सेम ही क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। देखो डेफिनेटली 12 से इम्प्रूव्ड है 13, 13 से इम्प्रूव्ड है 14 इन टर्म्स ऑफ कलर्स एक्यूरेसी, ये सब जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं ये आपको डेफिनेटली मिलते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग मोड्स मिल रहे हैं, फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिल रहा है, सिनेमैटिक मोड मिल रहा है, ये भी अलग से इंप्रूवमेंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर आप आईफोन 12 लेने का सोच रहे हो, आपका बजट इतना नहीं है और कंटेंट क्रिएशन के लिए सोच रहे हो, भाई आराम से ले सकते हो। वीडियोस के मामले में लगभग वही प्रोवाइड करता है जो कि 13 और 14 करते हैं। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे सिनेमैटिक मोड नहीं है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के लिए ये एक परफेक्ट वीडियो कैमरा हो जाता है। इवन अगर आप व्लॉगिंग भी करना चाहते हो तो इसके फ्रंट कैमरा से आप आराम से व्लॉगिंग भी कर सकते हो। और हमारे फोटोग्राफी टेस्ट में भी हमने देखा कि भाई डिफरेंस था, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, ऐसे कोई बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलता है आपको इनके कैमरास में। तो भाई यहाँ पे आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर आपको एक्शन मोड की रिक्वायरमेंट है, आप दौड़ के किसी का शूट करना चाहते हो या फिर एक्शन वीडियोस बनाते हो, तब डेफिनेटली आपको आईफोन 14 की तरफ जाना चाहिए। और सिर्फ सिनेमैटिक मोड आपको चाहिए तो आईफोन 13 की तरफ आराम से जा सकते हो। रीजन मैंने बताया क्योंकि भाई रील्स वगैरह अगर क्रिएट करते हो तो 1080p पे अपलोड होती हैं, 4K में YouTube वीडियोस बनाते हो और उसमें आपको सिनेमैटिक मोड चाहिए, तब डेफिनेटली आपको iPhone 14 की तरफ जाना चाहिए। भाई बिग बिलियन डे सेल में काफी अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं ये तीनों ही फोन्स, तो यहां पे मैं बोलूंगा भाई आप अपने बजट और अपने यूज केस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए। मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आप कौन सा लेने वाले हो और कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। और ये भी कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। आई होप ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर से छोड़ देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।